बाजी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को बेटा मैं 52 से यहाँ हूँ। आप इस बात का अंदाज लगा लीजिए कि 52 का यहाँ है उसको कितना पीरियड हो गया। 52 से यहाँ पे है? हाँ। तो आप पूरा टाइम ये एग का काम करते हो? अच्छा, नहीं पूरा टाइम ये एग का काम करते हो या कोई और काम भी आपका? मेरा काम साइकिल का भी था, गाड़ियों का पंचर का भी काम था। अच्छा, लेकिन अब मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ गए हैं, वो भगवान के घर प्यारे हो गए हैं, मैं अब अकेला हूँ। आपके कितने बच्चे थे? मेरे 3 लड़के थे, मालिक थे 3 लड़के थे, लड़के कोई नहीं थी। अच्छा, लड़के भगवान के घर चले गए। एक सन 87 में गया, 92 में घरवाली गई, 98 में दूसरा गया, 2013 में तीसरा गया। तीसरे लड़के का एक लड़का था, 3 लड़की थी। अच्छा, और तीसरे लड़के का 2016 में वो भी गया। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 75 पार कर गया, अब हिसाब लगा लो 43 का जन्म है। तो आप अभी 75 की एज में भी पूरी मेहनत करके सब कुछ कर रहे हैं? बराबर इज्जत की रोटी कमा रहा हूँ, मालक का सुकून है मेरे से। हमें यहाँ पे आए हुए 15-20 मिनट हो गए, लेकिन आपने पहले पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा, उसके बाद ही आप आए हो। जो मेरा सिद्धांत है कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना ज्ञान दे रखा है कि बेटे जब तुम्हें अच्छी चीज़ खाने का इंटरेस्ट है तो तुम दूसरे को भी अच्छा खाना खिलाओ। हाँ जी, ये मत इंटरेस्ट करो कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, पैसे की कोई इंटरेस्ट मत लो। तुम्हें अपनी इज्जत का इंटरेस्ट लो कि तुम्हें प्यार मिलना चाहिए सामने से। बस मैं वही सबक के ऊपर निर्भर हूँ। अंकल जी आपके पास क्या क्या वैरायटी है यहाँ पे, एक बार बताओगे थोड़ा? मेरे पास ऑमलेट है, हाफ फ्राई है, भुजिया है, बॉयल अंडा है। बस तो अभी आप एक हाफ फ्राई बना दीजिए और एक ऑमलेट बना दीजिए। तो ये रिफाइंड में बनाते हो देसी घी में बनाते हो? रिफाइंड का भी है, देसी घी का भी है, जैसा हुक्म करो वैसा बनाते हैं। तो आप दोनों देसी घी में बना दीजिए जी। आप 5:30 बजे आते हो? जी 5 बजे, 5:15 बजे तक मैं रेडी हो जाता हूँ। और कितने बजे तक ओपन रहता है आपका? 11:30 बजे तक। अच्छा, और 7 दिन हफ्ते में? मंगलवार का दिन छोड़ देता हूँ और नवरात्रों के दिन छोड़ देता हूँ। मंगलवार को मैं अड्डा नहीं लगाता और माता के जो दिन आते हैं नवरात्रे आते हैं उनमें भी नहीं लगाता। अच्छा, मंगलवार और माता के नवरात्रे वगैरह इनमें आप नहीं लगाते? नहीं लगाता। भाजी आपने नाम तो बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह। ये डाल रहे अंदर देसी घी।
ब्रेड ऑमलेट भी बना रहे हैं देसी घी में, जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है। चलिए अब टेस्ट करके बनाते हैं कि ब्रेड ऑमलेट कैसा बना है। मजा आ गया, देसी घी का अलग स्वाद है और ये पूरी ब्रेड पूरी सिकी हुई है गर्मा गर्म बारिश के मौसम में। और क्या चाहिए, सनी टेस्ट करके बताएंगे हाफ फ्राई। कैसा लगा सनी भाई? बहुत ही टेस्टी एग फ्राई है, मैंने इससे अच्छा एग फ्राई आज तक नहीं खाया। बहुत ही क्रिस्प ब्रेड है, देसी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, तो आई एम रियली रियली सेटिस्फाइड, मैंने इससे अच्छा एग फ्राई आज तक नहीं खाया। सनी, जो मुझे इस जगह की सबसे अच्छी बात जो लगी पाजी की, वो है सफाई। मतलब अभी तक मैंने ऐसी सफाई कहीं नहीं देखी। इन्होंने पूरे सामने सामने हमारे सामने सब कुछ दिखाया कि भाई कैसे बनाया है, क्या क्या डाला गया है। अमूल का इन्होंने एक पैकेट एक ही उसमें यूज़ किया है। सबसे बढ़िया बात ये देख सकते हो आप, जो गार्बेज है वो यहाँ पे अलग से है। जैसे कि देसी घी की कॉस्टिंग ही सिर्फ 20 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ के ऑमलेट में सिर्फ देसी घी की कॉस्टिंग ही 20 रुपीज़ है, तो मेरे को लगता है ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है चार्ज कर रहे हैं देसी घी के ऑमलेट। भाई मज़ा आ गया, सनी ने तो आपकी ओके रिपोर्ट दी है। मजा आ गया, हाफ फ्राइड
पहली बार आया हूँ और सही में इंटरेस्ट बनेगा इसमें, मैं दोबारा खाना चाहूँगा। ये इनका यहाँ पे ये रहते हैं जहाँ पे ये अपना दिन में टायर का काम करते हैं, पंचर वगैरह, और इसी से दिन की रोजी रोटी चलाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप कैसे आज के ज़माने में सिर्फ एक दिए के उस पर जी रहे हैं। और अगर उसने देसी खाद आज तक इस्तेमाल करता हुआ आया तो उसके पास खरा धन मिलेगा। अगर यूरिया खाद उसने डाली थी डेट वो जमीन डेट बेटा, मेरी जिंदगी का बड़ा तजर्बा है। मैं रोकता हूँ रोया ना करो पाली या नहीं, आप सही कर रहे हो। जब तक नेहरू जीवन था तब तक हमारा हिंदुस्तान एक नंबर बढ़िया था। नेहरू ने 3 साल लाल किले भाषण देता मरा कि मेरे मरने के बाद मेरी राजगद्दी मेरी लड़की को मत देना, नहीं मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन प्रजा ने इस बात का एहसास नहीं लिया, प्रजा ने इस बात को समझा नहीं। नेहरू अलोप होते ही इंदिरा गांधी को राजगद्दी पे बिठाया, इंदिरा गांधी बैठते के साथ ही चांदीगढ़ सिक्का बंद हुआ, प्रजा बेईमान हो गई। बैठते के साथ ही उसने एक तांबे की पाई चालू करी। हमने पूछा किसी बुजुर्ग ने कि ये तांबे की पाई किस लिए चालू करी है, तुम 20 पैसे की रसीदी टिकट लेने जाते हो, तुम्हारे पास एक पाई होनी जरूरी है, ये उसके कोल्ड वर्ल्ड थे। उसके बाद उसने अल्मोनियम के सिक्के चलाए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 10 पाई किलो के भाव मैंने बेचा अल्मोनियम। 6 महीने के बाद ऑर्डर दे दिया कोई गाय भैंस नहीं पालेगा, 1,000 रुपये महीना जुर्माना, दिल्ली के अंदर घी दूध खत्म, घी एंड।